महिला सीएच होने पिछौर बीएमओ पर लगाए गंभीर आरोप, कलेक्टर से की शिकायत। शिवपुरी के पिछौर तहसील के अंतर्गत आने वाले बामोर डामरून के उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ महिला सीएमएचओ ने पिछौर बीएमओ की कलेक्टर से शिकायत की है। महिला ने बताया है कि पिछौर बीएमओ उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उसे काम नहीं करने देते हैं, आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान करते हैं। जानकारी के अनुसार निर्मला छिरूलिया उप स्वास्थ्य केंद्र बामोर डामरून सीएचओ ने कलेक्टर को आवेदन में बताया है कि 7 माह से उसे अनुसूचित जाति की महिला होने के कारण बीएमओ पिछौर के द्वारा मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके ऊपर काम ना करने का झूठा आरोप लगाकर 4 माह से वेतन रोक लिया है, जबकि वो नियमित रूप से उपस्थित हो रही है। इस संबंध में जब पिछौर कार्यालय में उसने आवेदन दिया तो वो स्वीकार नहीं किया। महिला ने बताया कि उसे मजबूरन व्हाट्सएप ग्रुप में जवाब देना पड़ता है और अब जब आवेदन नहीं लिया जाता, आवक जावक आवेदन भी मंजूर नहीं किया जाता। कहा जाता है कि कहते हैं कि बीएमओ सर से मार्क कराएं, उसके बाद आवेदन लिया जाएगा। 6 माह से महिला की वर्क रिपोर्ट नहीं ली जा रही है, जिसके कारण उसे वेतन नहीं मिला है। इस कारण महिला परेशान है, उसने न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम निर्मला छोरिया है जी। कहाँ से हो? मैं ब्लॉक पिछोर, मैं सीएचओ के पद पे हूँ। मेरा सब सेंटर बामोर डामरून है। मेरा प्रॉब्लम, समस्या ये है कि मुझे 6 मंथ का ना ही मुझे मातृवकाश का भुगतान मिला गया है और साथ में मेरी चार पाँच महीने की सैलरी रोक ली गई है, जिसका कोई कारण नहीं बता रहे। मैंने कई बार आवेदन मैंने सीएमएचओ ऑफिस में भी दे चुकी हूँ, कई बार बोल भी चुकी हूँ, लेकिन मेरी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा, जिसके कारण मैं अपनी बच्ची का भरण पोषण करने में काफ़ी समस्या का समाधान हो रहा है, मेरी बहुत परेशानी आ रही है। ऐसे में मैं कैसे कार्य करूँ? क्या कहती हैं बीएमओ आपसे? वो मेरे से बात करना नहीं चाह रहे। कई बार मैं आवेदन लेके जाती हूँ, लेकिन मेरे से बात नहीं करते, ना ही मेरे किसी भी लिखित आवेदन लेते हैं, कोई भी आवेदन पर साइन नहीं करते, जिसके कारण मेरा कोई आवेदन अप्रूव नहीं होता वहाँ पर, कि साइन नहीं करते। इसलिए कब से पदस्थ हो आप? मुझे 1 साल हो चुका है। आपने 181 भी लगाई थी, कोई सुनवाई हुई? नहीं, वहाँ पे भी नहीं हुई। अच्छा, वहाँ से ही ऑटोमेटिक बंद करवा दी गई है। आप क्या चाहती हैं जनसुनवाई में? बस मेरा ये है कि मुझे मेरा मातृवकाश का भुगतान दिया जाए और मेरी सैलरी दिया, जिससे मैं रेगुलर अपना काम कर सकूँ। मैं काम भी नहीं कर पा रही। मातृवकाश और 4 मिलाकर 10 महीने हो गए। हाँ, 10 महीने का भुगतान आपको? हाँ, मेरा चाहिए, इससे मैं आगे बच्चे काम कर सकूँ। यदि ऐसी मानसिक मेरी स्थिति बहुत ख़राब हो रही है, मानसिक रूप से मैं और मेरा बच्चा, मैं कैसे काम करूँ ऐसे कंडीशन में? अभी आप कार्यरत हैं? अभी मैं कार्य नहीं कर पा रही। मैं कंटिन्यू जब से मैं आई हूँ रीजॉइनिंग कर मार्टर लीव से, तब से मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ, कि सैलरी ना मिलने के कारण मैं काफ़ी परेशानी हूँ आर्थिक रूप से, इसलिए मैंने अभी काम करना बंद कर दिया है। मैंने ये आवेदन मैंने सर को दे चुकी हूँ, बीएमओ सर को।